नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। भारत समेत पूरे विश्व के लिए रविवार को एक बुरी खबर सामने आई। संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा, सबसे बड़ा नाम स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। वो कई दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। उनके जाने से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया गमगीन है। लता मंगेशकर के प्रशंसक पूरी दुनिया में थे। जी हाँ, उन्हें जितना प्यार भारत से मिलता था उतना ही पाकिस्तानी लोग भी उन्हें मोहब्बत किया करते थे। आज लता मंगेशकर के देहावसान पर पाकिस्तान ने भी उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, एक महान शख्सियत नहीं रही, लता मंगेशकर सुरों की रानी थी जिन्होंने दशकों तक संगीत की दुनिया पर राज किया। संगीत जगत में उनके जैसा कोई न था। उनकी आवाज आने वाले समय में भी लोगों के दिलों पर राज करती रहेगी। ट्विटर पर चल रहे #RIP लता मंगेशकर ट्रेन में लता मंगेशकर के पाकिस्तानी फैंस श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक पाकिस्तानी फैन शकील अहमद ने लिखा, लेजेंड लता मंगेशकर के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ, भगवान उन्हें अगली दुनिया में शांति दे, अमन की आशा, लव इंडिया। पाकिस्तानी पत्रकार आमिर रजा खान ने लता मंगेशकर की बचपन की कुछ तस्वीरें साझा की और लिखा कि हार्ट ब्रेकिंग, किसे पता था कि ये छोटी सी बच्ची संगीत की दुनिया की रानी बनेगी। लता जी, आप हमारे समय की एक असली महान शख्सियत हैं। RIP, आप भारत, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों की रानी हैं। नूर जहां से फिर मिलेंगी लता मंगेशकर। जी हां, पाकिस्तान के कामरान रहमत ने लिखा, मधुर आवाज शांत हो गई, लता फिर से नूर जहां से मिल पाएंगी। एक दूसरे पाकिस्तानी फैन ने लिखा, लता मंगेशकर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लोकप्रिय और महान संगीतकारों में से एक थी। लता जी हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। रिजवान वसीन ने लिखा, जादुई आवाज के युग का अंत हो गया, लता दीदी आप हमारे दिलों में हैं, पाकिस्तान से आपको प्यार। आप लता मंगेशकर के पाकिस्तानी प्रेम के लिए क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें। और जाने से पहले लता दीदी से जुड़ी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।